हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी। शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे हम, आपका DCECE 2022 पर हम बात करेंगे। 2022 पर, जी हाँ, DCECE यानी PM के लिए बात करेंगे, पारा मेडिकल का। जी बाबू, पारा मेडिकल की अगर बात करें, पारा मेडिकल में दो गो कोर्स था, एगो पीएम था, एगो पीएमएम था। दो गो ब्रांच था बाबू, एगो पीएम था और एगो क्या था, पीएमएम था। पीएमएम आपका 10th लेवल पर था और पीएम जो है आपका 12th लेवल पर था। पीएम 12th पर था, पीएमएम 10th पर था। और दोनों की जो काउंसलिंग थी, एकदम बढ़िया से समझिएगा, दोनों की काउंसलिंग जो था बाबू, काउंसलिंग डेट की अगर बात करें तो काउंसलिंग डेट जो है आप लोग को दिया था कि 8 सितंबर 2022 से काउंसलिंग शुरू होगा, च्वाइस फिलिंग शुरू होगा, रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। लेकिन सुनो, च्वाइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन इस दिन आपका जो है, च्वाइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन जो है, इसका लिंक जो है नहीं आया, लिंक नहीं आया। फिर एक और नोटिस आया कि कुछ वेबसाइट पर दिखाने लगा कि 9 सितंबर जहां पे ऑनलाइन होती है उस वेबसाइट पे कि 9 सितंबर 2022 को लिंक जो है एक्टिव होगा, लेकिन लिंक जो है नहीं आया। अब ये लिंक 8 सितंबर को भी नहीं आया, 9 सितंबर को भी नहीं आया और सारे बच्चे जो है परेशान हैं। कुछ लोगों ने तो कहा, सर बिहार बोर्ड पगला गया है, इनामे है बिहार, ऐसे ने कामे होता है बिहार में, लेकमन की हुर देता है, अपने पीछे हट जाता है, हड़बड़ाओ नहीं। तो सुनो, 8 सितंबर 9 सितंबर, अब ये संभावना जो है लग तो ऐसा रहा है कि अब यह कुछ दिन के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया जाएगा और यह 12 सितंबर से, जी हाँ, अब यह 12 सितंबर से काउंसलिंग जो है स्टार्ट शायद होगा। ठीक है, इसके शायद में रखिए, इसलिए हम मिटार देते हैं। ठीक है, सुनो, इसकी जो काउंसलिंग डेट था, लिंक था, एक्टिव नहीं हुआ। सारे बच्चे परेशान थे कि सर कैसे काउंसलिंग कराए, अभी तक तो डेट आया है लेकिन लिंक नहीं खुल रहा है, करने से लिंक खोजे तो बाबू लिंक एक्टिव नहीं किया है बीसीसी बोर्ड, अगर कर देगा तो काउंसलिंग होगी, नहीं तो पोस्टपोन्ड हो सकता है, फिर से एक नया नोटिस आएगा। हड़बड़ाइए नहीं, परेशान नहीं होइए, वीडियो को शेयर करते रहिए।